आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा प्रश्न आपका। यहाँ पे देखिए, प्रश्न में आपसे कह रहा है सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको क्या बताना है कि सृजनात्मकता और बुद्धि का कोई संबंध यहाँ पे आपको समझाया गया है, उसमें आपको बताना है कि उचित कौन सा होगा जो कि इनका सहसंबंध प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो आइए हम पहला पढ़ते हैं। पहला, आपका व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक सृजनात्मकता होती है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कह क्या दिया गया। सबसे पहले आइए मैं आपको समझा देती हूँ कि सृजनात्मकता का गुण हुआ क्या। देखिए सृजनात्मकता का तात्पर्य यहाँ पे क्या हुआ, कोई बच्चा सृजनात्मकता तब कहलाएगा कि वह सृजनात्मक है जब वह कुछ नया उत्पाद करेगा। ठीक है, कुछ नया उत्पाद करे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नया निर्माण करे जो पहले कभी नहीं हुआ हो। ठीक है, कुछ नया निर्माण करे। ठीक है, जो भिन्न हो। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भिन्न हो, ऐसे बच्चे कहलाते हैं आपके क्या, सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। अब आपसे भी कह रहे हैं कि व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक सृजनात्मकता होती है, तो यह जरूरी बात नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम 100% से बात नहीं कह सकते कि हाँ यह सत्य है। दूसरा है आपके, देखिए बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए बुद्धि जो परीक्षण है उससे सृजनात्मकता का कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि देखिए होता क्या है, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो बुद्धि लब्धि आती है, जब उनका बुद्धि परीक्षण होता है तो जो उनकी बुद्धि लब्धि आती है वह बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, लेकिन वह बालक बहुत ज़्यादा सृजनात्मक होता है। ठीक है, सृजनात्मक बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो बालक की यहाँ पे बुद्धि परीक्षण जो है सृजनात्मकता का सही मापन करता है, ऐसा नहीं होता है, उल्टा भी हो सकता है ना। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, वो सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। हाँ, यह बात सत्य है। देखिए आपसे यहाँ पे क्या कहा, कह रहे हैं सृजनात्मक अगर आप चाहते हैं कोई बालक हो तो उसके पास औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया, देखिए जो हमारी औसत बुद्धि होती है वह कितनी होती है, जो आपको बुद्धि लब्धि में जो समझाया गया है, जो औसत बुद्धि होती है वो आपकी होती है 90 से 110 के बीच में। तो आपसे कह रहा है जो औसत यहाँ पे जो बुद्धि है, इससे जब बच्चा अधिक बुद्धि होगी, मतलब इससे ऊपर जब जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि बच्चा सृजनात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके नीचे जो आता है वो क्या आता है, वो आपकी आती है जड़ बुद्धि। ठीक है, जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि ना, ये सब कुछ इसके नीचे आती है। तो ऐसे बालक जो होंगे वह सृजनात्मक नहीं हो सकते, जबकि जो सब औसत से जो ऊपर अधिक बुद्धि वाले आएंगे वह सब के सब सृजनात्मक हो सकते हैं, उसके लिए होना चाहिए, ऐसा बता रहे आपसे। चौथा क्या है, बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। तो पूरी तरह गलत है, अंतर होता है, ऐसा नहीं है कि अंतर ही नहीं होता, पूरी तरह समान होता है, बिल्कुल बात गलत है वो। ठीक है, आपका तीसरा यहाँ पे सत्य हो जाएगा जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ओके, तो होप्स आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।